Thank you very much. मैं एक डिटेक्टिव हूँ. मेरा नाम है मिस्टर जो बी करवालो. मैं इतना चालाक, इतना शातिर हूँ कि मैं इंसान को देख के ये बता सकता हूँ कि वो आदमी है या औरत है. मैं जूते देख के बता सकता हूँ कि ये राइट पैर के हैं या लेफ्ट पैर के. सर, सर, सर. सर आग लगी है, लड़की फंसी हुई है सर. यही बात होती है, मैं जहाँ जाता हूँ ना लड़कियों में आग लग जाती है. एक काम कर रहे हैं, आग लगी जाके दिया जला ले उससे. आग बुझाने के लिए मैं ही काफी हूँ. सिद्धार्थ, मैं यार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया हूँ. मिस्टर जो भी करवा लो. जो भी करवा लो? हाँ, जो भी करवा लो. मिस्टर जो भी करवा लो, डिटेक्टिव. सर फिर एक छोटा सा काम कर दो, बिजली की नंगी तारों पे गीले कपड़े से साफ कर दो. और सर समुंदर के पानी में नमक बहुत है, वो नमक अलग कर दो सर. मैं ये सब तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तेरे को उल्टे हाथ की लात मार सकता हूँ. सर बताओ. मैं चाहता हूँ आप बीवी पर नजर रखें सर. मेरी शादी हो चुकी, मैं किसी और की बीवी पर नजर नहीं रखूंगा, बेशरम आदमी. नहीं, कैसा है यार. कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा. हम कौन सा तांडव कर रहे थे यार. मैं एक लड़की की तलाश में हूँ. जहाँ मैं जाता हूँ कोने को लड़की आ जाती मेरी तलाश में. Yes, baby, बोलो. जो, मैं एक मुजरिम की तलाश में हूँ. I don't mind. हथकड़ी पहना दो मुझको. मेरा मतलब है कि एक लड़का है जिसने कई लड़कियों से झूठे झूठे वादे किए हैं, उसकी तलाश में हूँ मैं. अरबाज तेरे से बात कर रही है. ये लड़के ने कई खून भी किए हैं. मैंने नहीं किया. कैसी लड़की है ये? पता नहीं यार. ऐसे लड़के की तलाश में जिसने खून किए. ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जेल में मिलेगा. क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? सोहा अली खान. ऑटोग्राफ तो बनता है. या शो, व्हाई नॉट. थैंक यू. मेरे से कोई नहीं पूछता है. ये क्या कर रहे हो? बड़े बड़े लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं. सर आप बहुत खुश हो रहे हैं सर, एक फोटोग्राफ हो जाए सर. सर खींच दो सर. थैंक यू सर. बकवास फोन है उसका. एक बार जोरदार तालियां अर्शद वारसी, सोहा अली खान और सिद्धार्थ के लिए. वेलकम 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 टू कॉमेडी. तो अगर आप जो भी करवा लो हैं तो सोहा आप क्या हैं? मैं सीनियर इंस्पेक्टर शांति प्रिया फडनेस. No, actually, this is Salman Khan of Dabang and I am Sonakshi Sinha of Dabang. It's true. That is the truth. So please allow us to entertain you with our fantastic talent on Comedy Circus Ke Mahabali. Yeah, please, hamare judges ke saath. Thank you. I'm looking forward to it. Enjoy kariye. Awesome. Mele mein massage parlor khola hai Kamsin Bharti ne. अब वो किसका मसाज करती है और किसकी हड्डियां तोड़ती है, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम भारती एज मसाज वाली एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स. जीती रहो. मेरा हक बनता है, पतियों में तुम्हारा. खबरदार ऐसी बात की तो आई लाइक हर, लेकिन ये बेवफा है. ये किसी और से प्यार करती है, सिद्धार्थ सागर नाम के लड़के से. हैं? लेकिन आई लाइक हर. अर्शद जी ज्यादा पी ला हूँ, प्लीज बुरा ना मानिएगा. खैर आपको मैं मजे की बात बताता हूँ. इतने काम आती है, कभी आपकी चाबी खो जाए ताले में नाक घुसड़ के ताला खोल देती है. सबसे बड़ी बात की जितनी मर्जी गंदी बातें करो उसको मजा आता है. बता बच्चे कैसे होते हैं? बता. अच्छा बता बच्चे कैसे होते हैं? बता. मुझे नहीं मालूम. मुझे नहीं मालूम, प्यारे होते हैं पागल. खैर बहुत मजा आ रहा है सर. मैं आपका सर इतना बड़ा फैन हूँ सर, बुरा ना मानिएगा. जब आप वो करते हैं ना सर, वो वाव तो कमाल मजा आता है. आपको उसका बहुत वाव, क्या बात है. सर सर
क्या है ना, कोई भी आ जाता है, आप उठ के कहता है ना मेरी माँ भाग गई, तो आप कहते हो वाओ क्या बात है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया आपने, क्या बात है, वाओ। अर्शद जी, अर्शद जी आपको एक बात बताता हूँ। बिल्कुल। आप सर आए हैं बुलाने में नहीं, आपकी फिल्म आ रही है, जो भी करवा लो, जो भी करवा लो, जोरदार तालियां, जो भी करवा लो। सुहाजी काम, अरे बाजी सुहाजी काम, अर्शद जी सुहाजी काम, सोहा सुहाजी 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 काम, सुहाजी काम भारती। देखिए सोहा, मैं तुम्हारी मम्मी की बहुत बड़ी फैन है, कितना अच्छा करती थी, रमेश बाबू रमेश बाबू। क्या बात है, मैं उनकी सुपर 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 फैन है, उनको घर जाके मेरा सुहाजी काम कहना। बिल्कुल कहूंगी। ये मेरा धंधा है, ये इधर आओ मसाज कराओ। नहीं 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 अभी नहीं, मैं थका नहीं हूँ, आई एम फ्रेश। तुम्हारे पास थकाने वाला साधन भी है। मतलब जो भी कर लो। नहीं नहीं, जो भी करवा लो है साहब, आपके चक्कर में मेरा करेक्टर ढीला हो रहा है। कौन सा मसाज करती हो तुम? वही वाला। कौन सा वाला? वही वाला। यस, फुट मसाज। पैरों का मसाज करती है? हाँ तो वो वाला बोल के खुश क्यों कर रही है मेरे को? क्या बदतमीजी है सर, मैं आपको ये शिक्षा देना चाहती थी कि किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करते। सुहाजी खान, मसाज का कई पैसा है, 3,000। ए? 3,000 रुपया? अपनी बीवी को दूंगा ना, दिन रात मसाज करेगी मेरी। ऐसा गलती मत करना सर जी, बीवी को मसाज का कभी पैसा नहीं देना। मेरा पति मेरे को मसाज के पैसे देता था, मेरे को ऐसा गंदा आदत लगा पैसा लेने का, उसने पैसा देना बंद किया, मैंने धंधा खोल लिया। चल ये मसाज स्टार्ट करती है। हाँ अभी मसाज कर, मसाज। ऐसा आंखें बंद कर। एक मिनट, I want to enjoy, बुरा ना मानिए। अपनी जीप बाहर पार्क कर दे। मजा आ रहा है। फोन चाहिए मेरे को? अच्छा फोन लीजिए। ओए पागल है तू? बोला था ना सर, अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करने का। पागल है, कैसा आदमी समझता ही नहीं है। अब क्यों लगाई? मिस कॉल आया था। यार का भेज, मेरे को तो जमती नहीं है। कि मेरा इधर क्या काम, अगर मैं सर को जमती नहीं, मैं दूसरा लड़की को भेजती है। भेज। अभी आती हूँ दूसरा लड़की। यार बुरा ना मानो। सुहाजी काम सर, सुहाजी काम। फिर आ गई तू, तेरा मना करा अभी नहीं करनी मसाज? नहीं सर, मैं तो पहली बार आई है। अबे दूसरी वाली को भेज। ये देखो फूल, पहली वाली का फूल नहीं था। ऐसे कैसे? एक्चुअली सर, हम लोग का शक्ल सब लोग का एक जैसा होता है, हम लोग की बनावट में ज्यादा खर्चा नहीं करता, इसीलिए भगवान एक जैसा बनाता और उसी को कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अच्छा तुम्हारी शक्लें सेम होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होता शादी के वक्त क्या हो रहा है, किसके? अच्छा बहुत कंफ्यूजन होता होगा। उतना साल में थक गई। हम लोग का बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा पैर दुख रहा है, दबाओ। हम लोग का बहुत कंफ्यूजन। अब मेरा ही देख लो,
मेरा पति 3 बार हनीमून मना चुके एक ही शक्ल की वजह से। गंदा कल्चर तुम्हारा, गंदा कल्चर। हम लोग का गंदा कल्चर नहीं है, तुम लोग का गंदा कल्चर है, शराबी लोग। एक मिनट, शराबी लोग पे जाने का नहीं, शराब अपना अपना करती है, जो शराब पीता सुपर हिट। तुम झूठ बोलता है, बच्चन साहब तो पीता ही नहीं है। अबे तो टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है, पूरी इंडस्ट्री शराब पे चलेगी। सरजी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप सॉल्व करोगे। हाँ बोलो बोलो। वो कल मैंने कढ़ाई पनीर खाया था। अच्छा। पनीर तो मैं खा गया, कढ़ाई इधर बच गया। पागल है क्या? ए सर जी, हमको पागल नहीं बोलने का, ऐसा उड़ के तुम्हारे मोमोज पे लात मारेगा ना कि तुम्हारा सारा मंचूरियन सूख जाएगा, और फिर बिना ग्रेवी के मंचूरियन लेके घूमना सूखा सूखा। स्वादी खा आ गया से बढ़िया है, मसाज करेंगे, मसाज करेंगे, बढ़िया है, बुरा ना मानेगा। ऐसे पागल पागल लोग आ जाते हैं। लेकिन जो हाँ, मैंने आपका प्रोमो देखा उधर, हमारे देश में भी चलता, आप ऐसा छोटा कपड़ा गोरा बदन ऐसा ऐसा कर लीजिए, हम लोग का आँख 2 इंच ज्यादा खुल गया। वो आपका बॉयफ्रेंड है ना कुणाल, मेरे साथ बहुत मस्ती किया। क्या किया? इधर आके मसाज करवाया, मैं खुश होके ऐसा किया, पप्पी लेके भाग गया। मैंने बोला मेरा पप्पी क्यों लिया, कहता मैंने सोचा तेरा आँख बंद है। लेकिन उसने गोने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। लेकिन उसका सारा श्रेय हमारी श्रुति को जाता है, क्योंकि डायरेक्टर ने इसको देख के ज़ॉम्बी वाला आइडिया सुना। एक मिनट जानू मोमो, इन लोगों को हिंदी समझ आती है तो हिंदी में बात करने का, तो हर भैया के देख कंटाप खींच के ठीक है सा हिंदी था। ते होर किद्दा दी बोला तू सी दसो, ओद्दा दी बोलूंगा मारी मोटी जिन्नी कांदी है। इसी चक्कर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती, बाकी इधर शिफ्ट हुआ मैं। तुम हमारे साथ चलेगा? मैं तुम्हारे साथ उधर नहीं चलेगा। तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हारे बिना मेरा क्रिस्पी पोटैटो ढीला पड़ गया है। तुम्हारे बिना मेरे नूडल्स उलझ गए हैं। इधर तुमसे ज्यादा अच्छा लोग है, अच्छा अच्छा मसाज कराता है, खूब सारा बॉक्सी दे के जाता है। तुमको हमके साथ जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं तेरे साथ नहीं जाएगी। अर्शद सर, आप मेरे को अपने घर रख लो, प्यार का प्यार मोशाज का मोशाज फ्री में देंगे। अर्शद, क्या आप में हिम्मत है इनसे फ्री मसाज लेने की? मैं बस चाहूंगा कि भारती को घर ले जाऊं, मेरे ख्याल से लाफ्टर थेरेपी मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा है यार, आप लोग कमाल है यार, आई मीन इतना ह्यूमर, इतना एनर्जी, इतना सिद्धार्थ अमेजिंग यार, व्हाट अ ड्रंक एक्ट, सुपर, आई लव्ड इट।
बहुत जमाने बाद मैंने एक इतना अच्छा और अजीबोगरीब ड्रंक एक्ट देखा है. आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड भारती, यू आर लेजेंड, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, ब्रिलियंट, बहुत मजा आया, वेल डन, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्शद. तो हां सिद्धार्थ, बुरा ना मानिए, आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा. I was laughing from beginning to end. My mouth is actually hurting abhi. So much physical energy, really. And from beginning to end, jo aapne maintain kiya, it was very funny. Thank you. Likhai kiski hai? Harsh, ma'am. Harsh. I think the likhai was nice, very nice. But the two performances were super. Thank you, ma'am. Thanks, Archie. There were some really nice punches in it. There were some very nice moments in it. Overall, it was a very brilliantly performed act. And I would say, Bharti, you are a legend and you were outstanding in this. Thank you so much. Thanks, Arbaaz. Time now for scores. Thank you so much. So Archie, 9 points. एक नौसिखिय टेररिस्ट से टकरा गया है एक अतरंगी सिक्योरिटी गार्ड. देखें अब बॉम्ब फटता है या लगती है दिमाग की वाट. आतंकवाद की दहशत से बिंगो यामी टोस ब्रेक दिलाने आ रहे हैं कृष्णा एज अ टेररिस्ट एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स. मजा हुआ क्या बात है, क्या बात. हेलो, नहीं फोन पे नहीं, अरे भाई आपको बोल रहा है. हेलो, कैसे है? बहुत बढ़िया. तुमसे अच्छा आदमी हम पूरा हिंदुस्तान में नहीं देखे. नहीं ये फोन पे बोल रहे, उठा लिए. इधर बम लगाना. नहीं नहीं उधर मेला में नहीं लगाएगा, उधर बहुत भीड़ होता है. अरे पिछली बार गया हमारा पॉकेट मार लिया. वापस आने को पैसे ही नहीं था हमारे पास. टाइम बम का घड़ी बंद किया, आधा घंटा भीख मांगा हमने उधर. ओके चलो, 5 बजे बोला बम लगाने, अब हिंदुस्तान है 7 बजे लगाना पड़ेगा. सब लोग तो लेट आता है इधर. लेकिन एक मिनट, सोहा 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 का बहुत बड़ा फैन. तुमको कोई भी चीज का जरूरत हो रात बेरात भी, तुम्हारा भाई बेटा है सैफ अली खान, उसको फोन लगाओ, हमारे पास टाइम है. खैर इससे पहले हम बम, कोई आ जाए इधर हम बम लगा देगा. हेलो. नहीं सर आप मुझे बताओ फोड़ना कहाँ पे है. नहीं नहीं मुझे बताओगे नहीं तो मैं कहाँ फोड़ूंगा सर. आप देखो नारियल फोड़ना 125 रुपया में लेता हूँ. नहीं नहीं मेरा फर्ज बनता है गरीबों की रक्षा करना. मैंने कल गरीब को 1000 रुपया दिया, मैं कहा चल खाना खा ले. देखो उसने खाना खाया, बाकी पैसे मेरे को आगे ले दिए. देखो उसका पेट भर गया और मेरा जेली नोट चल गया. कौन है? पहली बार मिला है, तमीज से बात करो. दुआ सलाम करने का, अस्सलाम वालेकुम. जय महाराष्ट्र. जय दुबई. महाराष्ट्र का नाम मत लेना तुम. क्यों? मालूम है कितना प्रॉब्लम हुआ इधर महाराष्ट्र में हमको आके. क्यों आप लोकल ट्रेन में आए हो? अबे लोकल ट्रेन नहीं, हम प्लेन से आए. जैसे हमारा प्लेन लैंड किया रेलवे स्टेशन पे, हमारा मतलब बस अड्डे पे, तुमको तो मालूम हमारा प्लेन सही जगह लैंड तो करता है नहीं. तो जैसे लैंड किया हमारा कोई बटुआ मार लिए. देखो पठान हो के बटुआ मरवा रहे हो, शर्म करो कोई. थप्पड़ मारना था उसको. थप्पड़ मारा बहुत, कितना प्रॉब्लम. हमको रात को रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा. अच्छा. हाँ फिर एक आदमी हमारे पास है, कहते बाबा खाना खाएगा 20 रुपया लगेगा. अच्छा. हम बोला खाना नहीं खाएगा, हम सोएगा. अच्छा. हाँ तो कहते 300 रुपया लगेगा. तो हमारा बाजू में लेट गए. फिर मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा. क्या बात मतलब होता है आपको, मुझे शक पड़ रहा है. हाइट भी अच्छी है आपकी, आपका सामान किधर है? सामान तो हाथ में ना, इधर उधर क्या देख रहा है. अरे वाह दिखाओ जरा. क्या मुझे चेक कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड हूं. तो कर लो क्या प्रॉब्लम, डरता थोड़ी है. ये क्या है? आम है. ये क्या घड़ी वाला आम? क्या 12 घंटे में सड़ जाता है ना, इसलिए घड़ी लगा के हम चेक करते हैं. क्या बात कर रहे हैं. ओ हेलो, बात कर रहा हूँ. मेरे को बेवकूफ बना रहा तू? मैं चेकिंग करूंगा इधर, मुझे शक पड़ रहा थोड़ा. अरे सीधा सीधा बोलो ना, तुम हमको प्यार करते है. इधर एक बात बताओ, जब सुबह उठती हो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले हम रात को जो पाप किया उसका प्रायश्चित करता है, शर्मिंदगी होता है हमको.
अरे कैसी बात है भाई, नाता धोता अपना घर चला जाता है, मैं और क्या करते तू भाई। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपके पास इतना पैसा है, देखो कितने गरीब लोग हमारे यहाँ बैठे, थोड़ा दान पुण्य कर दो, ये जिंदगी और मौत में ये एक सबसे बड़ी चीज होती है, कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर तो ये हम जिंदगी और मौत के लिए तो लाए हैं। सच्ची में अगर टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो बहुत सारा गरीब लोग का जान बच जाएगा। ये मेरे को दे दो, आम कच्चा लगता है, मेरी बीवी के काम आएगा, दे दो। मजाक हुआ, मलाड है अंधेरी, निकला पोस्टर, पटा पोस्टर, निकला पोस्टरा, बहुत बड़ी को। अरबी नहीं समझे? नहीं। यही प्रॉब्लम है इस शो पे, अरबी और अरबू को कोई नहीं समझ पाते। अर्चना तुम भी अरबी नहीं समझते, इतना चर्बी हो गए। मालूम है 7 साल पहले रेगिस्तान से भाग के इधर आए थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे लगे, पता ही नहीं चलता कि ये ऊंट है। आज हम इस शो पर आए इधर, बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हम श्रुति के लिए, तुमसे शादी करवाए। बुलाओ दुबई के हंक को, भेजो इधर, जोरदार ताली हो जाए। हाय, अब जब तक तुम इसको पप्पी नहीं करेगा मैं एक आगे नहीं बढ़ाएगा। अब इधर करोड़ों लोगों की मौत का सवाल है और एक पप्पी का सवाल है, देख लो। हिंदुस्तानी है ना तुम, कि जब शादी करना हो तो एक दूसरे का प्रॉब्लम पहले समझ लेना चाहिए, है कि नहीं? तो पहले बताओ तुम इससे शादी करेगा? नहीं करूंगा। हनीमून मनाएगा? हाँ। चलो अभी बॉम्ब 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 लगाने का टाइम हो गया अपना, हमारा बॉम्ब किधर है, बॉम्ब किधर है, इतना लेट हो गया। जल्दी से आप, हाँ, और चल जल्दी से फुट। देखो मैं अपने घर पे बच्चों से बात कर लूं। अच्छा चल, तेरे को आखिरी मौका दिया, बात कर ले, चल। बहुत बड़ी। हेलो बेटी फुलझड़ी, मम्मी पटाखा को फोन दो। पहचाना नहीं, बम बोल रहा हूँ तेरा। सुनो, मैं तो इधर फट रहा हूँ। बच्चों का ध्यान रखना, अपना अनार नहीं तिकोना। किधर है वो? नहीं जुआ खेलने गया, कोई बात नहीं, दिवाली। अच्छा सुनो, अपना रॉकेट बेटा किधर है? अरे बहुत उड़ता है वो, उसको ध्यान रखो, उसका उसको बोलो पढ़ाई में ध्यान दो। मैं मर रहा हूँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा बेटा घर को होने वाला। अरे सुनो, मैं इधर फटू तो इसका मतलब ये नहीं तू किसी और के साथ फट जाए उधर। समझे कि नहीं? हम बाद में बात करते हैं। चलो हो गया, अभी जल्दी से स्टार्ट करो फटने को। कैसे, मुझे घड़ी नजर नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं अंदाजे से फट जाऊंगा। अंदाजे से कभी कोई फट सकता है? क्यों अरबाजी, अंदाजे से फटते हैं, उनको समझ थोड़ी आती, जो कि ऐसे हंसते रहते हैं। एक बार फिर बात कर लूं? बार बार क्या, घर पे फोन लगा, फिर भी प्यार होता है, जाना वापस पता नहीं कब आना। एक बार बात कर। हेलो बेटी फुलझड़ी, फिर मम्मी पटाखा से बात कराओ। क्या कहा, मम्मी को किसी ने माचिस की तीली लगा दी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है, अलमारी में ना पैकेट पड़ा, उसमें से नई मम्मी निकाल ले। हाँ कोई बात नहीं। हेलो, इधर मैं फट जाऊंगा, देखो अगर मैं बच गया तो शाम को घर पे आ जाऊंगा, नहीं तो कल न्यूज में तो पक्का आऊंगा। ठीक है बेटे, ओके बाय। देखो मेरी फैमिली बहुत मुझे प्यार करती है, देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ, क्यों मुझे भैया। सच्ची बोलू तुम्हारे फैमिली का देख के यार थोड़ा दिल इमोशनल हो गया हमारा। सच्ची में हम बोलते हैं कि हमारा देश से लोग इधर आए और इस देश से लोग हमारे देश में जाए, लेकिन कभी भी उधर से इधर बम ना आए और इधर से उधर कभी भी बम ना जाए, यही हमारा कोशिश। चल तुमको नहीं पोड़ते। आर्ची क्या कहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? कृष्णा आपका जो बिगिनिंग से एंट्री जो होती है इट इज यूनिक, और वो सिर्फ आप ही करते हैं और हर बार करते हैं, लेकिन थकते नहीं हम देखने में। आई लव द एक्ट एंड आई थॉट सुदेश यू वर सुपर्ब एज द बॉम्ब। थैंक यू। Arbaaz, आपके अगर एक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट एक्ट देयर इज नॉट मच हैपनिंग, सेकंड एक्ट में जहां से वो आपने वो दुबई के हंक को ले आए और उसके बाद जब सुदेश जी ये कैरेक्टर में आए, आई थिंक दैट्स व्हेन द एक्ट स्टार्टेड पिक्ड अप, दैट्स इट। अर्शद, आप लोगों का ऐसा है कि ये शो का नाम लो और आप दोनों का नाम लो तो सेम आइडेंटिफिकेशन। बहुत कमाल है आप लोग, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, आपकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, आई थिंक मेरे को जब आप बुला लो मैं आ जाऊंगा आपके लिए एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू अर्शद। सोहा,
Krishna and Sudesh, season one से अब तक you maintained a certain standard, जो बहुत मुश्किल है करना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और especially आज का जो आपका performance था, एक serious subject को लेकर, उसका एक मजाक बनाना, हमें हंसाना, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। So I thought it was very, very well written, very well performed. Thank you. Thanks, Soha. Time now for the scores. 8 points, Archie. 9 points. मेले में बच्चा चुराना अब पड़ सकता है भारी। बच्चा चुराने मंत्रा गया है मेले में, अब वो फंसता है कौन-कौन से झमेले में? चलिए देखते हैं। Please welcome मंत्रा as बच्चा चुराने वाला, मुबीन as बच्चा, and Jemmy as various characters. चुप चुप, अबे चुप करो यार, चोर बन गया मैं, गाने पे एंट्री मार रहा हूँ। Arshad bhai, welcome to Comedy Circus again. Thank you, buddy. Thank you, Mata. एक और बार सर, आप कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं Comedy Circus पे, पहले भी आपका आना जाना। मुझे और कई जगह पे कोई बुलाता ही नहीं है। और Arshad bhai, आपको Comedy Circus पसंद है ना? बेहद पसंद है। तो बोले तो अगले सीजन में बात करूँ एक जोड़ीदार के साथ में। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरा नाम ये नहीं, ये फिल्म का नाम नहीं है, जो भी करवा लो, ये मेरे जज्बात है। मैं तो बोलता हूँ सब जगह के, बोले जो भी घर वालों में करने को तैयार हूँ। खैर, आज का एक्ट ये मेला स्पेशल है, और मेले में मैं बच्चे चुराने वाला बना हूँ, बच्चे चुरा लूंगा मैं आज। आओ बच्चों, अंकल के पास आओ। क्या हुआ? धीरे रो, धीरे रो प्लीज, कान में गुदगुदी होती है मेरे। क्या हो गया? ये हैंडपंप वाली क्यों पी ले रही तू यार? क्या हुआ क्या? अंकल, हम लोग दोनों यहाँ पर मेला घूमने आए थे, हमारे साथ हमारे मम्मी पापा भी थे, लेकिन हमारे मम्मी पापा खो गए। कोई बात नहीं बेटा, आओ गले लग जाओ। एक मिनट। हाँ, बे 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 बे। शकल से तो तू कोई बच्चा चोर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर हो? Oh my God, इंस्पेक्टर। अच्छा तो वर्दी क्या है तुम्हारी? बेटा वो जो मेले में बच्चे आते ना पकाने के लिए, हाँ। वो वर्दी गीली करके लपेट लपेट के देता हूँ। अंकल, आप मैरिड हो? अनफॉर्चुनेटली यस। ओह अंकल, आपके बच्चे हैं? फॉर्चुनेटली नो, नहीं। बोरिंग। बच्चे नहीं है? नहीं। तो कमी किस में, आप में या वाइफ में? तेरी ऐसी की तेरी साले को कमी नहीं है। चलो चलो, तुम दोनों को तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेके चलता हूँ। yes. कैसे दिखते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? अंकल, मेरी मम्मी ना एकदम सेम टू सेम औरत जैसी दिखती हैं। और पापा ने तो हद कर दी, बिल्कुल पक्के मर्द है। अरे पगले, मम्मियां औरत ही होती हैं। हम मडाइलैंड में एक आध केस आगे पीछे हो गया, लेकिन सुनो, मतलब दिखते कैसे? हमारे पापा ना एकदम शाहरुख दिखते हैं, और हमारी मम्मी ना एकदम ऐश्वर्या दिखती है। यस यस। तुम दोनों ने अपनी सूरतें देखी हैं? तुम्हारा बाप कोई मिमिक्री आर्टिस्ट और माँ जॉनी लेवर जैसी दिखती होगी। ये माँ बाप को ढूंढना ही तो ढूंढ, खानदान की माँ बहन मत कर। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ कुछ खिलाने के लिए, कुछ yes, खिलाने yes, के लिए। अंकल, हाँ हाँ, वो अभी ना बच्चा चोरी बहुत ज्यादा हो रही है ना, आप हमको ना छुपा के लेके चलो। ये तो शिकार खुद शिकारी के जाल में फंस रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो देखो वो मेरी बोरी है, इस बोरी के अंदर तुम दोनों आ जाओ, कोई नहीं देख पाएगा। तो ये बोरी के अंदर घुसते कैसे अंकल? अरे घुसने में क्या है यार, देखो ऐसे ये पांव डालने का इसके अंदर, यहाँ पे यू ऐसे घुसने का, यहाँ पे घुस जाने का। अच्छा, क्या कर रहे हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? You are under my kidnap. कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो बॉस, हम इसे हमारे अड्डे पे लेके जाते हैं। नहीं नहीं, अड्डे पे नहीं लेके जाएंगे, इसी जगह को अपना अड्डा बना लेते हैं। क्यों बॉस? क्योंकि रास्ते में कोई पंच नहीं है। ओके बॉस, चलो 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 मेरे को अड्डे लग रहा है। मोना, तुम्हें होमवर्क करना है ना, चलो तुम घर पे जाओ, भैया काम निपटा लेंगे। अभी तू तो अड्डे पे आ गया, अब तू भागेगा कहाँ? चल अपने घर वालों को फोन कर और बोल मुझे पूरे 1,000 रुपए चाहिए।
बेट चे, ये भी कोई मांगने वाली बात भी। अबे हम आदमी की शक्ल देख के मांगते हैं। चल फटाफट अपने घर वालों को फोन लगा और बोल 1000 रुपए और एक आदमी साथ में भेजना। काय के लिए? पैसे गिनने के लिए। क्या क्या फोन करूं? मिस कॉल दो, मिस कॉल। मिस्ड कॉल क्यों दूंगा यार मैं? हाँ तो कल को कोई पंगा हो गया तो पुलिस को बोलने को तो रहेगा हमने कॉल नहीं किया था भैया, वहां से आया था फोन। ए, मेरी बीवी का कॉल आ रहा है, मैं बात करूं। हाँ बात करो, बात करो, अलग अलग आवाज में करना बात। तो फिर फिरौती तुम ही मांगो, ये लो। ये बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, इफ यू डोंट माइंड, हमने आपके हस्बैंड को किडनैप कर लिया है। अगर आपने काली पहाड़ी के पीछे 1000 रुपए नहीं पहुंचा तो आपके पति का पार्सल बना के हम पहुंचा देंगे। अरे काली पहाड़ी के पीछे क्यों? वहाँ आइसक्रीम बहुत बढ़िया मिलती है। अरे बच्चा आदमी है यार, ये लो बात करो। जल्दी आओ डार्लिंग। मेरे घर आ गई, पैसे लेकर आ गई, मैं तो पैसे लेकर आ गई। देखो मेरे पति को मत मारना, मत मारना, उसको जिंदा गाड़ देना। लंबी उम्र के लिए मेरे लिए व्रत तो रखती नहीं है अरशद भाई, मेरी मौत की दुआ मांग रही। अरे छोटी सी उम्र में तू कुछ नहीं कर पाया तो क्या लंबी उम्र में कौन से पहाड़ तोड़ेगा तू? ये ले पैसे, ले ले। ए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। चुपचाप उठा ले 2000 रुपए। ए आंटी मैंने 1000 बोला था। 2000 क्योंकि मार दे साले को। डोंट एंग्री बड मी और डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम यहाँ के टेम्पल से, नहीं तो मैं तेरी गोली मार दूंगा और 99 में तेरे को ऐसा सांप काटेगा ना सीधा तेरा पे आएगा। हाँ तेरा लूडो उखाड़ दूंगा। क्या ना मैं? सुनो मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, इतने छोटी सी उम्र में तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ने लग गई है मुन्ना? कोई भी बच्चा अंकल अपनी माँ के पेट से किडने पर बन के पैदा नहीं होता। ये महंगे महंगे मोबाइल और उनकी स्मार्टफोन्स की एप्लीकेशन ये आदमी को ऐसा काम करने पर मजबूर कर देती है। देख रहे हैं अरशद भाई आज का बच्चा कितना प्रेशर में है। स्कूल के बेंच पे अगर पड़ोस में बैठे हुआ लड़का स्मार्टफोन यूज कर रहा था, उसको ट्राई फोन चाहिए। अरे कंपास बॉक्स होना हो, एक्स बॉक्स होना बहुत जरूरी है आज के बच्चे के पास। घर में इंटीरियर होना हो, इंटरनेट कनेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है आज के बच्चे को। इसकी गलती नहीं है, इसके बस्ते में बुक होना हो ये फेसबुक पर जरूर मिलता है। ये मेरा आज का बच्चा है और इसका जिम्मेदार कौन कौन लाकर देगा? माता पिता आप याद रखो, जो बोगे वही काटोगे जब तक पुराने संस्कृतियों को अपने बच्चों में नहीं बांटोगे। अर्शद आप से शुरू करते हैं। बहुत मजा आया यार, फर्स्ट क्लास, मतलब एंजॉयड माय सेल्फ, गुड पंचेस, मैड पंचेस, बचकानी किस्म की ये कुछ बातें थी जो बहुत अच्छी थी और एक जो आपके पूरे स्क्रिप्ट ने जो पलटी मारी मुझे एक अलग मजा था। आई हैड अ गुड टाइम वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू सो मच। मंत्रा, मुबीन और जैमी बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली जैमी आपके एक्सप्रेशन, जो अलग अलग आवाज अंदर से निकल रहे थे, स्पेशली वो जो हैंडपंप वाला, वेरी मेमोरेबल, बहुत एनर्जी था परफॉर्मेंस में, आई रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच आरजी, दिस एक्ट वाज अ वेरी क्यूट एंड थ्रू आउट एंटरटेनिंग। आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन अ शो लाइक दिस वाज कन्वेड एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू अरबाज, टाइम नाउ फॉर स्कोर्स। 9 points, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। महाराजा का शाही मेला, फोकट के झूले और टेंशन का खेला लेकर आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज महाराज एंड बलराज एज सेनापति। सोहा जी पहली बार आई हैं आप हमारी सल्तनत में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। साले रुक जा के सारा काम तू नहीं करना है। सोहा जी पहली बार आई तो क्या लेंगी, चाय कॉफी ठंडा कुछ? मेरे पास है चाय, थैंक यू। अच्छा लेके आई हैं? जी हमें लेके आई। चलो अच्छी बात है, अर्चना जी आज आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अर्शद भाई जोरदार ताली अर्शद भाई के लिए। भाई आप कमाल के एक्टर हैं। थैंक यू यार। कमाल के परफॉर्मर हैं, हमने सुना है आप सामने वाले एक्टर को खा जाते हैं इसीलिए वजन बढ़ गया मेरा। खैर अर्चना जी मैं तो अंदर आ गया, मेरा पप्पू बाहर रह गया, मतलब मेरे पप्पू महाराज बाहर रह गए, शहनशाहों के शहनशाह से पिटने वाले।
टीपू सुल्तान के पड़ोसी पप्पू महाराज हाजिर हो। महाराज जी, दो हफ्ते से आपका नाड़ा नहीं बंधा। कमाल करते, तुम्हें पता है हमारी 300 रानियां हैं, हमें इलास्टिक डलवा दो, क्यों नाड़े में उलझा के रखा हुआ है हमें। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हमें यहाँ जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। वो यहाँ पर जो भी हो करवालों का प्रमोशन करने हैं, तू जय हो का प्रमोशन करने पे लगा हुआ है। महाराज जी, वो आए एक दिन के लिए, जय हो की फैमिली यहाँ परमानेंट बैठी है। सही बात, तो उनकी प्रमोशन करो, नंबर ही लेने हमको। लेकिन नहीं, आज गेस्ट आए हैं, आज सिर्फ इनकी प्रमोशन होगी। जो भी हो करवा लो, महाराज से जो भी करवा लो। महाराज दुश्मनों ने हमला कर दिया। क्या बात। हाँ महाराज, और इस बार तलवारें भी नंगी नहीं, उनको सलवारें पहनाई हुई हैं। हमें नहीं करना ये वल्गर युद्ध। आ रहे महाराज, इधर ही आ रहे हो। तो एक काम करो जी महाराज, जाके हमारी 300 महारानियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के बाहर ले आओ। अपने आप दुश्मन का ध्यान उधर लग जाएगा, हम भाग जाएंगे। और एक और काम करना, हमारी जो महारानियां हैं जी, उनको बोलना थोड़ा थोड़ा डांस भी कर ले, शायद दुश्मन खुश होकर पैसे भी लुटा दे। तेरे को राजा किसने बनाया बे? पहले एक कानून बनाया जाए। कौन सा कानून? महाराज के सर पे कोई टपली नहीं मारेगा। महाराज कहेगा, महाराज तू एक और कानून बनाया जाए। कौन सा कानून? जब एक बार बोल दिया टपली नहीं मारेगा, तो दूसरी बार जो टपली मारे उसको फांसी की सजा दे दो। महाराज को माफी मांगने का टाइम दिया जाए। महाराज आप समझते क्यों नहीं, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। क्या हो गया महाराज? सल्तनत में उथल पुथल मची हुई है महाराज। क्या हुआ? महाराज शाही हाथी का चलान हो गया है। क्यों? वो बिना हेलमेट के घोड़ा चला रहा था। हमारा घोड़ा था? नहीं, आपकी बहन का घोड़ा था। ये बहन के घोड़े सल्तनत से बाहर निकाले जाए। महाराज जी, बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। क्या? आपके खिलाफ बहुत शिकायतें मिल रही हैं। क्या शिकायत आई है? आप शाही बिल्ली का दूध पी गए? उसने हमारा चूहा खाया, हमने उसका दूध पी लिया। महाराज उसकी बद्दुआ लगी सल्तनत को। क्या हो गया? अनर्थ हो गया महाराज, शाही भैंस का थन टूट गया महाराज। टूटा नहीं, उसे तोड़ा गया है। मैंने कितनी बार कहा था डायरेक्ट दूध मत पिया करो। महाराज ना, हमारी भैंस थन थन गोपाल। महाराज आप मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या? महाराज मेले में कोई नहीं आ रहा, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? क्या करें? महाराज मुंह से आग निकाल के दिखाएंगे। मेरी 300 महारानियां नाराज घूम रही है, मेरी कहीं से आग नहीं निकली, मुंह से कहां से निकाले मैं? कुछ तो करना पड़ेगा, मेले में कोई नहीं आ रहा, 5 घंटे से मेला लगा रखा है, एक कस्टमर नहीं आया। एक काम करो, बाहर जाके देख के आओ, क्यों नहीं आ रहा, जल्दी जाओ। महाराज अभी देख। ये कौन से शेर चीते रखे हुए हैं महाराज? हाँ, ये बोर्ड किसका महाराज? ये हमारा बोर्ड है, हम लाए हैं। इधर बैठेंगे जरा जमीन पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहन के पप्पू, एक मिनट, क्या हुआ? 10 लाख रुपए लगा के मेला लगाया, बाहर बोर्ड लगा दिया, विजिटर नोट अलाउड। नहीं नहीं, एक सारे मेले में तेरी फूफी आएगी। एक भाई, 10 लाख रुपए आपने हमारा वेस्ट कर दिया, मैं आपको जान से अभी पप्पू कटेगा, इधर आ जा। पप्पू कटेगा? देखो महाराज, आप अगर मेरा कत्ल करोगे ना, तो मेरी लाश यहाँ भटकेगी, फिर उनको जसूसी करनी पड़ेगी। उनके पास इतना टाइम है नहीं, उन्होंने और शो में भी जाना है। अच्छा, तो उनको बोलो नंबर देके रफा दफा करें, कहाँ चक्करों में घूमने। नंबर जय होने देने हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तो जय हो, बताइए कैसा लगा आपको? आज मैंने डिसाइड किया कि मैं पप्पू को डांटूंगा नहीं। सुपर्ब, एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डन, आउटस्टैंडिंग। आरजी, राजीव और बलराज, आपने थ्रू आउट एक मोमेंटम और टेम्पो मेंटेन किया। दिस एक्ट वर्क्ड बिकॉज राइटिंग वाज गुड, आई वोंट से एक्सीलेंट, बट आप दोनों की परफॉर्मेंस वाज इवन बेटर। That's why this act was right here. Thank you. Soha ji, मुझे बहुत मजा आया, really. I feel कि मैं बहुत ही lucky हूँ, मुझे एक मौका मिला है ये शो पे आने के लिए, हमारी फिल्म प्रमोट करने के लिए, और I'm really enjoying myself. आप दोनों की केमिस्ट्री वो बहुत ही अच्छी है. Thank you for that performance. अर्शद जी, बहुत मजेदार था act. It was very good यार. Enjoyed myself thoroughly. Thank you. Time now for scores. Arvaz. Jai ho. Jai ho. One mark extra is for Pappu.
10 points. The judges have given you Bingo Yummy Toast Top 10. तो जाने से पहले हम हमारे आज के मेहमान अरशद और सोहा को बहुत 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 शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो हमारे शो पर आए. अरशद, आई होप कि आपको कॉमेडी सर्कस के महाबली पे हमने एंटरटेन किया. बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे. एंड सोहा, एब्सोल्युटली आई हैड अ ग्रेट टाइम. प्लीज बार बार बुलाइए हमें, हम बार बार आएंगे. कॉमेडी की बस्ती में हंसी का मेला लेकर हम फिर आएंगे. ओनली ऑन बिंगो यम्मी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.